अगर आपका रिसीवर स्लो चल रहा है, अगर आपके रिसीवर में बिस्की का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा, अगर आप अपने रिसीवर का सॉफ्टवेयर घर बैठे खुद करना चाहते हैं तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप अपने रिसीवर का सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हो, रिसीवर का सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको अपने रिसीवर में कैसे इंस्टॉल करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो वीडियो की आपको समझ नहीं आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई भी रिसीवर है, चाहे ALI 3510C, GX6605 सिम वाला, 1506TF टाइगर फॉरएवर वाला रिसीवर, कोई भी एनीवन रिसीवर आपके पास है, तो उसका सॉफ्टवेयर आपने कैसे डाउनलोड करना है और कहां से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने रिसीवर की सेटिंग में जाना है, वहां से रिसीवर का सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करना है। याद रखें कि रिसीवर का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसके हिसाब से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। जो रिसीवर के ऊपर जो रिसीवर का मॉडल नंबर होता है या लोगो होता है उस हिसाब से आपने नहीं करना, क्योंकि कुछ रिसीवर लोकल टैप होते हैं, आप वहाँ से लोगो देखोगे, ऊपर मॉडल देखेंगे, वो आप सर्च करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास कंपनी वाला रिसीवर है तो उसका जो लोगो होता है, जो उसके ऊपर जो भी लिखा होता है उसके हिसाब से आप सर्च करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। लेकिन आपने बेहतर है कि रिसीवर का जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन चेक करके आपने रिसीवर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो कैसे करना है, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, अब आपके पास जो भी मॉडल है, जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास रिसीवर है सिम वाला 1506T वाला, तो मैं यहाँ पे उसको सर्च करूँगा, ये 1506T न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट मिल जाएंगी जिनमें रिसीवर फाइल्स हो गया, मिस्टर डिश हो गया, खान डिश नेटवर्क हो गया और रिसीवर ऑप्शन सैटेलाइट नेटवर्क वगैरह, तो किसी भी सैटेलाइट को आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिस्टर डिश को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें 1506T रिसीवर सॉफ्टवेयर ऑल इन वन, यहाँ पे आपको जो भी नया सॉफ्टवेयर होगा ना 1506T रिसीवर का, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चेक कर लेता हूँ मैं, ये देखें, ये सारे इसमें ना सॉफ्टवेयर मौजूद हैं 1506T। आपके पास कोई भी मॉडल हो, चाहे आपके पास ALI 3510C हो, GX6605 हो, कोई भी हो रिसीवर, आपको उसने सिंपल यहाँ से गूगल क्रोम में जाके सर्च करना है सॉफ्टवेयर वर्जन के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे इजीली आपके रिसीवर का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, USB में कॉपी करके आपने USB रिसीवर में लगानी है। और सॉफ्टवेयर कैसे करना है वो वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो के सॉफ्टवेयर आपने अपने रिसीवर में कैसे करना है। तो इस तरह फ्रेंड्स, अगर आप परेशान हैं कि आपका रिसीवर जो है वो स्लो चल रहा है, बिस्की का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप अपने रिसीवर को अपडेट करें, तो इस तरह आप अपने रिसीवर को अपडेट कर सकते हैं, अपने रिसीवर का सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिसीवर को फास्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाई थी तो उसके नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम तो कोड भी लगा रहे हैं तो हमारा बिस्की का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा, तो वो यही मसला होता है कि आपके रिसीवर अपडेट नहीं होता। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।